हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉक माइंड विद रिनी। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अमेजोन से लिए हुए कुछ प्रोडक्ट्स जिनको मैं यूज करने वाली हूँ करवा चौथ लुक्स क्रिएट करने में। तो ये दो लुक्स होने वाले हैं और जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखाए जाएंगे उनके परचेजेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से आप परचेजेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो सबसे पहले लुक के लिए मैंने यहाँ पे एक साड़ी चूज़ करी है। आप देख सकते हैं कितना प्रिटी सा ये कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल धूप छाँव वाला ये साड़ी है और ऑरेंजिश और रेडिश इस तरीके का टिंच इसमें है। इस ब्यूटीफुल साड़ी का ब्रांड है अखिलम और ये एक कांजीवरम बनारसी सिल्क वोवन साड़ी है। ईजी टू वेयर है, इसी के साथ में ब्लाउज भी आ जाता है, लेकिन मैंने ब्लाउज ऑलरेडी मेरे पास में जो था वही पहना हुआ है। रीजन बीइंग कि साड़ी का जो ब्लाउज है वो सिल के आने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मेरे पास में ऑलरेडी जो ब्लाउज था स्टूडियो श्रृंगार कंपनी में से, बहुत ही प्यारा सा ये एल्बो लेंथ ब्रोकेड ब्लाउज है। आप जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं साड़ी के साथ में भी या किसी और साड़ी के साथ में भी। बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस सेट लिया है मैंने एस्टल स्टोर से, अमेजोन पे अवेलेबल है और ये एक दो पीस में आप देख सकते हैं, एक चोकर पीस में आता है और एक लॉन्ग नेकलेस में आता है, साथ में इसके ईयरिंग्स भी आ जाते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो पेंडेंट है उसमें मोर डिज़ाइन बना हुआ है, पर्ल का फिनिश वर्क किया हुआ है और गोल्डन प्लेटेड इसमें वर्क किया हुआ है, साथ में नग लगे हुए हैं ग्रीन और रेड कलर के। इस नेकलेस सेट को आप टेंपल ज्वेलरी भी बोल सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही प्यारी भी दिखती है। और अगर इस तरीके का आप ट्रेडिशनल लुक जैसे मैं अभी क्रिएट करने वाली हूँ वैसा करने वाले हैं और साड़ी के ऊपर, तो इस तरीके की टेंपल ज्वेलरी बहुत ही प्यारी दिखती है। और क्योंकि ये हार्डकोर ट्रेडिशनल लुक होने वाला है इसीलिए मैंने दोनों ही नेकलेसेस यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही पहन लिए हैं साड़ी के ऊपर और लुक इस साड़ी का और खूबसूरत बन जाता है इन नेकलेस सेट्स के साथ में। और क्योंकि नेकलेसेस हैवी हैं इसीलिए बहुत ही प्यारी सी झुमकियाँ दी हुई हैं, अगेन इसके ऊपर भी पीकॉक वर्क किया हुआ है। हाँ, इसमें कोई पर्ल नहीं लगे हुए हैं लेकिन नेवरदलेस बहुत ही क्यूट से दिखने वाली ये इयररिंग्स हैं और प्यारे भी दिखते हैं। चलिए अब ऑर्नामेंट्स हो गए हैं और साड़ी और ब्लाउज मैंने पहन लिया है, अब बात करते हैं अपनी हेयर्स की। और यहाँ पे मैंने, आप देखिएगा कि मैंने एक बन लगाया हुआ है जिसके साथ में हेयर एक्सेसरीज डाली हुई हैं और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये आपका बन बन जाएगा, ये एक आर्टिफिशियल बन है जो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ में शेयर करा है अपने हेयर बंस और हेयर एक्सेसरीज, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अभी इस लुक के साथ में ये पूरा लुक क्रिएट करा है हेयर का। ओके, सो हाउ कैन वी फॉरगेट द बैंगल्स, ब्यूटीफुल से बैंगल सेट मैंने 2x8 वाले साइज़ के मंगाए हुए हैं। ये जो गोल्डन सेट मिल जाता है अमेजोन पे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे और इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कहीं से भी इसकी कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चुभ रहा है आपके हाथ में, बहुत ही ईजीली से ये आप पहन सकते हैं, आपकी साड़ी में भी नहीं फंसेगा, ये बहुत ही प्यारा वाला सेट है ये। और हाँ, बैंगल्स का जो ब्रांड है वो है योबेला। और इसके बाद में बात करते हैं हमारे फुटवेयर की तरफ। यहाँ पे प्यारी सी मैंने चप्पल्स ली हुई हैं, गोल्डन कलर की चप्पल्स हैं ये। आप किसी भी एक्चुअली आउटफिट के साथ में, एथनिक आउटफिट हो गया या इंडो वेस्टर्न आउटफिट हो गया, उसके साथ में आप पहन सकते हैं। इसका ब्रांड है दो भाई, ऑलरेडी मैंने इसके ब्रांड से और भी परचेजिंग करी है जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी रहती है। सो नेक्स्ट कम्स दिस ब्यूटीफुल गोल्डन क्लच की बारी। ये मैंने लीनो पेरोस ब्रांड से लिया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, जो ग्लिटर की क्वालिटी है, बहुत ही प्यारी है, कहीं से भी आपके हाथ में नहीं लग रही, झड़ भी नहीं रही है। सो इस तरीके का क्लच आप किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन या फिर अभी फेस्टिव टाइम है उस टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पार्टीज़ में जा सकते हैं। और हाँ, अगर हाथ में पकड़े पकड़े आप इस क्लच को बोर हो गए हों तो इसी के साथ में स्लिंग चेन भी आती है, तो आप इजी टू यूज़, मतलब अगर आप खाना की प्लेट ले रहे हैं हाथ में, मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ, टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसे यूज़ करना है इस पर्स को, इस क्लच को। बहुत ही प्यारा और सुप्रीम क्वालिटी का ये क्लच है। सो देयर वी गो विद द फुल लुक गाइस, कैसा लग रहा है ये लुक ज़रूर बताना। मुझे तो ये साड़ी इतनी ज़्यादा खास लगी है और एकदम ही ब्यूटीफुल, परफेक्ट फॉर द फेस्टिव टाइम ऑल्सो एंड फॉर द करवा चौथ पर्पस ऑल्सो। बहुत ही ब्यूटीफुल और मतलब इसमें जो शाइन है ना और क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। सो टोटल आप इसको लुक को कितना रेटिंग देते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वाला स्टाइल पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके परचेजेस लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं ये सारी ही प्रोडक्ट्स को।
अपने सेकंड करवा चौथ लुक के लिए मैंने यहाँ पे अगेन सेम ब्लाउज लिया है जो ब्रोकेड का ब्लाउज है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है गाइज, ट्रस्ट मी, बहुत प्यारा सा इसका वर्क भी है और क्वालिटी भी है, डिज़ाइनिंग भी है। बटन्स इसमें बैक में दिए हुए हैं, सो यस यू कैन स्टाइल इट द वे यू वॉन्ट। इसके साथ में मैंने ब्रोकेड का एक अगेन लहंगा पेयर करा हुआ है इस ब्रोकेड ब्लाउज के साथ में, और ये जो लहंगा है वो है ब्रांड स्नेह से। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक काफा का दुपट्टा लिया हुआ है, ये एक बनारसी दुपट्टा है और बहुत ही अच्छा दुपट्टा है। कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा है, वर्क भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा, एकदम लाविश और बहुत ही क्लासी पीस है ये गाइज। ऑन अमेजोन यू कैन फाइंड दिस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन आउट कर दूंगी। अलग अलग कलर्स में भी ये दुपट्टा अवेलेबल है। इस दुपट्टे को हम नॉर्मल तरीके से नहीं पहनने वाले हैं, जबकि हम इसे एक लॉन्ग श्रग की तरह पहनने वाले हैं। इस दुपट्टे को मिड फोल्ड कर दीजिए और मिड फोल्ड में जो दुपट्टे के कॉर्नर्स हैं उनको लेके आइए और बीच में इस तरीके से आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद में सेक्शंस बन जाते हैं इस दुपट्टे के, तो बस एक हाथ एक सेक्शन में डालिए, दूसरा हाथ दूसरे सेक्शन में डालिए, आपका एक लॉन्ग श्रग रेडीमेड वाला, इजी टू गो वाला, बहुत ही अच्छा सा, किसी भी दुपट्टे के साथ में जो आप बना सकते हैं वो रेडी हो जाता है। दुपट्टे के साथ में मैंने इसको एक और नीट लुक देने के लिए एक बेल्ट डाल दी है। यहाँ पर आप ज्वेलरी भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी है फ्रॉम द ब्रांड मातोश्री, एकदम ही एंटीक पीसेज हैं ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड प्लेटेड वर्क क्या हुआ है और इसकी डिजाइनिंग भी काफी अच्छी है। नेकलेस के साथ में इयररिंग्स और मांगटीका भी अवेलेबल है, और इसी के साथ में मैंने ये एक ब्यूटीफुल गोल्डन मेटालिक क्लच ले लिया है। ये एक स्लिंग बैग भी है, बहुत सारी इसमें जगह भी है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं विथ योर ट्रेडिशनल वेयर। सो ये हमारा हो जाता है लुक रेडी गाइज, एकदम ही क्लासिक मैं बोलूँगी और साथ में एकदम डिज़ाइनर वेयर आपका रेडी हो जाता है। आप पुराने कपड़ों में भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपना दुपट्टा, चोली और लहंगे को, और अगर इसी तरीके का कॉम्बिनेशन रखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेजेस लिंक्स दिए हुए हैं। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स अभी इस लुक के लिए दिखाए हैं सबके परचेजेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये दो करवा चौथ लुक्स पसंद आए होंगे तो लाइक और शेयर करिएगा, प्रोडक्ट्स परचेजेस लिंक्स में दिए हुए हैं वहाँ से परचेजेस करिए। मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।